तो बच्चों अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। पिछली कहानी में हमने पढ़ा था कि केशव जो है वो किस प्रकार से अपने काम में तल्लीन रहता है कि उसे ध्यान नहीं रहता कि बादशाह अकबर जो है वो खुद आए हैं उसके काम को देखने। अब आप उंगली रखेंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे। पीछे मुड़कर केशव ने आके उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तलखी शब्द का अर्थ होता है कड़वाहट से। तो उसने देखा कि अचानक से कोई आदमी है उसके पीछे खड़ा है, फिर उससे कहता है कि बेशक ये जो घंटियां मैंने ही बनाई हैं, और वो इनसे ये भी कहता है कि इन पत्थरों पे मैं नक्काशी करता हूँ, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। वो कहता है कि मैं ही इन पत्थरों को तराशता हूँ और इन पे सुंदर सुंदर नक्काशियाँ करता हूँ। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ मैं भले दिखता छोटा हूँ लेकिन मैं अभी 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में लड़ाई में हिस्सा लिया था। यहाँ पे बादशाह अकबर जो है वो उस लड़के से बातचीत करते हुए कहते हैं कि तुम 10 साल के हो लेकिन जब मैंने अपने इस राज कार्यभार को संभाला था तब मैं भी केवल 13 साल का ही था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था, वह सफेद अंग रखा का अर्थ होता है एक लंबा बंददार पहनावा जो कि ऊपर कंधे से लेके कमर तक पहना जाता है, और पैजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब यहाँ पे बादशाह अकबर का वर्णन किया है कि वो उनका जो कद था वो मंझोला था, उन्होंने सफेद अंगरखा पहना था और नीचे पैजामा पहना था, उनके सर के ऊपर एक पगड़ी थी जो कि लाल रंग की थी। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में राजा अकबर के पहनावे का वर्णन किया गया है। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठी को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। अब हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में बादशाह अकबर का वर्णन है कि उन्होंने किस तरीके से बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी थी, उनकी उंगलियों में अंगूठियां थी, उनकी नाक तीखी थी, उनके बड़े बड़ी आंखें थी और होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, और उनकी किस तरीके से घनी घनी मूछें थी। तो यहाँ पे केशव ने बादशाह अकबर के व्यक्तित्व का मुआयना किया। मुआयना करना यानी बड़ी ध्यान से देखना या आगे वाले को जांचना। केशव ने उनके व्यक्तित्व का मुआयना किया और फिर उसे समझ में आया कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि कोई विशेष इंसान प्रतीत होते हैं। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब केशव का माता ठनका, उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। बदहवासी का अर्थ होता है घबरा जाना या घबराहट। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, यह क्या लाते हुए उसने झुक कर सलाम किया और खरगोश किसी कातर यानी कि सहमी हुई नजरे, डरी हुई नजरे से अकबर को देखने लगा। अब उसका माथा ठनका यानी कि अचानक से कोई चीज दिमाग में या मस्तिष्क में आ जाना। अब उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं आगरा के बादशाह अकबर है, और घबराहट में उसके हाथ से छेनी छूटकर नीचे गिर गई और वो जल्दी से उठ के खड़ा हुआ और उसने बादशाह अकबर को सलाम किया।
अकबर को पहरेदार की यह दखलअंदाजी भली ना लगी और अकबर के जो पहरेदार थे उन्होंने केशव को डांटा कि ये यहाँ के राजा है, यहाँ के बादशाह है और तुमने इन्हें सलाम भी नहीं किया। तो अकबर जो है वो पहरेदार की दखलअंदाजी को यानी उसके हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते और उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं।